रूप से दिखाई कि उन्होंने, और अब सबसे बड़ी बात रविंद्र जी, और जिसको कहते हैं कि वो बहुत सोचनीय बात है कि जिनको, जिन तीन विधायकों को उस टाइम कारण बताओ नोटिस दिया गया था, अनुशासन की कार्रवाई करने की बात की गई थी, उनमें से दो की टिकट अशोक गहलोत जी लेके आ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसी को मैं जादूगरी कहता हूं। बाकी चुनाव के अंदर मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता इस बार ये फैसला पूरे देश को यह संदेश देगी कि भाई जिस तरीके से फ्री बीज की तरफ ये भारतीय राजनीति जारी है, क्या ये फ्री बीज की तरफ भारतीय राजनीति जाएगी, या भारतीय राजनीति जो है विवेक और अपने जो भविष्य है, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ देख करके वोट करेगी। ये चीज अब राजस्थान के चुनावों से आपके सामने प्रमाणित होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने आखिरी के एक साल के अंदर पिटारा खोला है, तो उससे मेरा यह मानना है कि राजस्थान की जनता अब उसके विवेक के ऊपर निर्भर है। और जन की बात का एग्जिट पोल एक बार फिर से दिखा देते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए महापोल लगातार आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां आपको बता रहे हैं महा एग्जिट पोल के नतीजे क्या निकल कर सामने आ रहे हैं। बीजेपी 100 से 122 सीट लाती हुई, कांग्रेस 62 से कुछ ही सीट आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, 14 से 15 निर्दलीय है। अदर्श के खाते में यहां पर सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं मनीष गुप्ता जी का रुख करते हुए जानने और समझने की बात करूंगा, लेकिन पहले मेरा मन कर रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करूं। और भीमराव जाखड़ जी, देखिए जीते या हारे कांग्रेस, लेकिन ये बताइए बिल्कुल साफ गोई से, दिल पर हाथ रखकर, कहां क्या कमी इन चुनावों के दौरान या सरकार के कामकाज में रही, उसको जो आज जनता के सामने यहां पर खुलकर बोलना चाहिए। सर जी, कमी कुछ नहीं रही, अरे कोई कमी नहीं रही, मैं आपको अभी भी दावा कर रहा हूँ, कमी नहीं रही। आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, आप कोई कमी नहीं रही। 3 तारीख को आज, अरे कहाँ वोटिंग, कोई कमी नहीं रही, इसीलिए तो फिर लग रहा है कि फिर अब अभी एग्जिट बोला। हाँ बिल्कुल, 3 तारीख को मैं आपको दावा कर रहा हूँ, 3 तारीख को सरकार बनाएंगे और इस राजस्थान को रिवाज बदलेगा और कांग्रेसी सरकार रिपीट होगी, मैं 100% दावा कर रहा हूँ। मनीष, कोई कमी नहीं छोड़ी, जो मांगा वो मिला, मांगते मांगते थक गए, देते देते नहीं थके। जो शुरुआत में बात हुई थी ना, वही बात हो गई। आज इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो ये कह रहे हैं नहीं जी ये तो सब गलत है, हमारा फैसला तभी होगा। मतलब ये सब मेहनत गलत है, सब लोगों ने जो कहा है, जो अपने रिहाई दी है, सब गलत हो गई। और आपके एक स्टेटमेंट पर, आपके स्टेटमेंट का बेसिस क्या है आप बताइए, आपके पास ये कहने का क्या लॉजिक है कि ये आंकड़े जो आए हैं ये आंकड़े गलत हैं, कैसे? मैंने तो पहले सवाल किया ही था कि आप इनको मानेंगे नहीं मानेंगे, उनका बिल्कुल मानेंगे। पहले ही यहां पर एग्जिट पोल के आधार पे चुनाव आयोग चलेगा क्या? चुनाव आयोग के भी तो कुछ मानते होंगे, उसकी भी कोई एक संवैधानिक संस्था है, उसका भी कुछ यहाँ स्टैंडर्ड होगा। संवैधानिक संस्था का रिजल्ट आने दीजिए, 3 तारीख को बात कीजिए ना, फिर आपको जवाब देंगे क्या कहाँ कमी रहेगी। आज एग्जिट पोल है सर, एग्जिट पोल और भी चैनल में आएंगे, एग्जिट पोल चेंज होते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था 3 दिसंबर कांग्रेस शुमंतर, एग्जिट पोल कई बार मंडप में लड़की भी बदल जाती है, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? मैं अपने कांग्रेस के साथी का मजबूती से स्वागत करता हूँ, अभी भी हौसला बनाए हुए हैं, बनाए रखिए हौसला। लेकिन हनहूल दिल्ली दूरस्थ, अब आपके हाथ से सत्ता चली जा रही है, एक दो दिन का टाइम है, थोड़ा अपने को आप मजबूत बना लीजिए। लेकिन जो आंकड़े और जिस सुख क्षमता के साथ न्यूज 18 ने इस काम को किया है, इसके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती है। अगर ये सिर्फ शहरीकरण करके बता देते चीजों को तो मैं मान सकता था कि हो सकता है गलत होगा, लेकिन जितनी सुख क्षमता से दूर दराज के इलाकों में जाकर इन्होंने सर्वे को बाहर निकाला है, बिल्कुल सच्चाई के नजदीक है। और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां के लोगों ने अटूट विश्वास व्यक्त किया है उनकी कार्य प्रणाली में, उनकी कार्य प्रणाली लोगों ने अपनी मुहर लगाई है। कितने हमने सर्वे कराए हैं, हमारी पूर्ण, हमने सर्वे करवाए हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और ये बात हमने आपके नंबर ऑफ सीट की और आज भी कह रहे हैं, और हमारी नंबर ऑफ सीट 156 आ रही है, चिंता मत कीजिए। के साथ काम किया, आपके सर्वे में बीजेपी को कितनी सीट दी आपने,
आप ही बता दीजिए अपने अपने सर्वे में बीजेपी को, बीजेपी हम क्यों बताएंगे, बीजेपी का बीजेपी वालों से पूछिए ना, अपना नंबर बता दीजिए, ठीक है अपना नंबर बता दीजिए, आपने सर्वे कराई है हमारा बता दिया ना, सर्वे में आपको कितनी सीटें आई है यही बता दीजिए, आपको कितनी सीटें आई है सर्वे में, हमने बता दी सर 156 है, 156 सुमन जी बीजेपी का सर्वे 156 जी, देखिए सुमन जी बीजेपी का सर्वे जाकर जी मेरे से पूछ रहे पोल में कम लग रही हैं क्या सीटें, और कांग्रेस का आपने सर्वे किया है या फिर कांग्रेस के बारे में आपने बताया? नहीं 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 नहीं, हम सर्वे पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, देखिए ट्रेंड तो बताता ही है, रुझान तो बताता ही है, और आप लोग बहुत वैज्ञानिक तरीके से सर्वे होता है, ऐसे नहीं कि, लेकिन हम लोगों ने पार्टी का जो हमारा पूरा नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 135 सीट पे जा रहे हैं, हो सकता है प्लस माइनस हो जाए, लेकिन हमारी तरफ, लेकिन ये 56 इंच सीना से प्यार हो गया है हमारे प्रवक्ता महोदय को, ठीक है 156 तसल्ली कर लेने दीजिए, बीपी मत बढ़ाइए हमारे भाई का, बहुत टेंशन में आ जाएंगे, सरकार बन रही है हमारी, और ये मैंने कहा ना कि इस बार राजस्थान में प्रतिकार लिया गया है, गुस्से का वोट है, नाराजगी का वोट है, बहुत ज्यादा गुस्सा, चार साल तक बीजेपी का तो इंटरनल सर्वे बहुत सटीक माना जाता है, ग्रास रूट पर उनके 135 सर 135 यस मैं बोल रही हूँ 135 मैडम, आरएसएस का असेसमेंट तो कह रहा 95 से 98 रहेगा, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा आरएसएस को बीच में मत लाइए, हम लोग के जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है ग्राउंड लेवल से लेके, हम लोग सब जगह हमारे पन्ना प्रमुख से लेके सबकी ओपिनियन, अभी आपके एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अपनी छवि बनाने के लिए कई बार कार्यकर्ता गलत रिपोर्ट दे देता है कि बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही माइन्यूटली हम लोग ने किया, तो हम लोग 135 पे करीब पहुंच, कांग्रेस तो 156 कह रही है, मैंने कहा ना कि 135 ही बता रही है, अब ये मैंने कहा ना कि 56 इंच सीने से प्यार हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है, ये 56 इंच सीने से प्यार, कांग्रेस के सर्वे की 156 प्लस की बात कर लें या बीजेपी के 135 की बात कर लें, ये जो जन की बात का जो 100 से 122 बीजेपी को दिखा रहा है वो दोनों बीजेपी कांग्रेस के आसपास नहीं दिख रहे, मैं आप लोग के वो उसको चैलेंज नहीं कर रही, मैम ये जनरल बात चल रही है, मैं बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की सीटें, नहीं 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 चैलेंज हो ही नहीं रही है, यहाँ पे तो बात हो रही है, तथ्यों पे बात हो रही है, प्रोग्राम में रविंद्र जी की जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक अगर 1875 कैंडिडेट वहां चुनाव लड़े तो वो 1875 के 1875 हैं, इस बीच एक और एजेंसी का आ गया है राजस्थान में, ये भी बीजेपी सरकार में पी मार्क 105 से लेकर 125 सीटें, यानी एक तरफ निचले स्तर पर 5 सीटें बढ़ा दी हैं और ऊपरी स्तर पर 120 से 122 से 125 तीन सीटें बढ़ा दी हैं। देखिए पी मार्क के सर्वे में भी एग्जिट पोल में भी बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और इस सर्वे को अगर माने तो इसके मुताबिक बीजेपी को 105 से लेकर 125 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है 199 सीटों में से। कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए प्रियंका, तो कांग्रेस भी यहां पर 69 से 81 सीटों को हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, और निर्दलियों की बात करें तो 5 से लेकर 15 एक बड़ी रेंज है, और निचली रेंज काफी कम है जिसका आलोक जी बार बार लगातार जिक्र कर रहे थे। आलोक जी बताइए क्या रिएक्शन? देखिए ये जो 5 और 15 वाले लोग हैं इनका कोई योगदान नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि जिसकी भी सरकार बनेगी क्लियर मेजोरिटी से बनेगी, और सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें भी अब कहीं कोई संशय नहीं है, आपके पोल ने भी वही बताया, ये पी मार्क का पोल भी वही बता रहा है, और जो हम लोगों के भी अपनी वहां पर आकलन है वो भी इसी के आसपास है। हाँ 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी, तो उसमें जो ये निर्दलियों का एक रोल हो जाता था ना कि अगर बैलेंसिंग फैक्टर का, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मनीष जी लेकिन एक फैक्ट ये भी दोनों ही सर्वे में या दोनों ही एग्जिट पोल में निकलकर सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस की वो जो लगातार कहा जाता था कि एक एसयू में बैठने वाले ही विधायक जीत कराएंगे, वैसी स्थिति इन एग्जिट पोल में से कम नहीं दिख रही है। देखिए निश्चित रूप से पिछले अगर आप 6 महीने का 1 साल का पीरियड देखें तो कांग्रेस ने लगातार मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात जिस चीज पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर रहती एक, 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 एक देखिए हमारे सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल महेश, दो एजेंसीज के सर्वे न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से एग्जिट पोल बता दिए गए, दोनों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, एक में 100 से 122 दूसरे में 105 से 125।
देखिए बिल्कुल जानकारी देना चाहूँगा कि अभी इस समय में जो सबकी निगाहें हैं वो टिकी हुई है एग्जिट पोल पर, और मेरे साथ में भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ इस समय में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राठौड़ साहब, कुछ एजेंसियों के जो सर्वे रिपोर्ट हैं वो सामने आ रहे हैं और बीजेपी को जो है उन्होंने आगे दिखाया, अगर जन की बात की मैं बात करता हूँ तो बीजेपी को 122 तक सीटें जो है वो दे रही है, क्या आपका क्या आकलन है? लगभग सही आकलन है, मेरा आकलन है। परिवर्तन यात्रा के अंदर इस राजस्थान को नापने का काम किया हमने, जन आक्रोश यात्रा में राजस्थान भर में गए, और मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 135 पार करेगी और कांग्रेस 50 से नीचे दम तोड़ देगी, क्योंकि जिस प्रकार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जनता बाहर निकली है, एंटी इनकम्बेंसी सर चढ़ कर बोली है, कांग्रेस का शासन कुशासन के रूप में जनता के पीड़ाजनक कार्यकाल को याद दिला रहा था उनको, इसलिए कांग्रेस की रवानगी तय है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि राज नहीं इस बार रिवाज बदलेगा, अब ये 48 घंटों का खेल बचा है, रिवाज वही रहेगा, आगे रिवाज बदलेगा, इस बार कांग्रेस की विदाई धूमधाम से होगी। जो वोटिंग ट्रेंड्स जो अगर आपने देखा और आपने भी स्टडी किया होगा, पूरी कैलकुलेशन सब लोग ने की है, आपने भी अपनी गणित यहाँ बिठाई, जोड़ की हार जीत पर जो चर्चा हुई है, किस तरह की जो कैलकुलेशन है वो आप लोग की सामने आई है, कौन सी कितनी सीटें? हर वर्ग की नाराजगी सर चढ़कर बोली है, किसान ने अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस किया क्योंकि कर्जा माफी के नाम पर वोट लिए पर जमीन नीलामी होती चली गई, नौजवान ने नौकरी की लूट को देखा, आम आदमी ने दहशतगर्दी की जिंदगी को देखा, धज्जियां उड़ती देखी कानून व्यवस्था की, संवेदनशील व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के तांडव को देखा, धर्म और सनातन को मानने वाले आदमी ने जनता ने उसकी धज्जियां उड़ती देखी, वोट की फसल काटने के लिए किसी हद तक सरकार को गिरते देखा, और सबसे बड़ी बात है कि आभासी सरकार सरकार कहूं या सरकस कहूं, सरकार अंतर्द्वंद में फंसी रही। महेश, सरकार ने खुद के ही उन नेताओं पर जिन्होंने सरकार बनाने में पिछली बार भूमिका निभाई थी उनको मुकदमे से लादा, निर्लज निकम्मा बेईमान नकारा कहा, और एक समुदाय विशेष ने पिछली बार कांग्रेस की मदद की थी उसने टर्न टेबल कर दी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंडता से वो आगे आए। और एक बात, मेरा एक सवाल लीजिएगा जरा प्लीज, ये कहा गया कि हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है वो बीजेपी ने खेला, क्या ये सक्सेस रहा, इसकी वजह से जीत है? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो ना धर्म ना जातियों में विश्वास करती है, वो नीतियों में विश्वास करती है, जब जमीन खिसकने लगती है और जब अपनी हार की खींच में अपने उन हार के कारणों को गिनाने के लिए उनके पास इस बात का कहने में संकोच रहता कि हमने शासन नहीं लूट का शासन चलाया, झूठ का शासन चलाया, तब वो सांप्रदायिकता की बात कहके और हिंदू मुस्लिम की मेरी आवाज मिल रही होगी आपको, मेरा सवाल कीजिएगा राजन जी के लिए, चीज को अपनी हार की शर्म को दूसरी तरफ उतारना चाहते हैं। ये जो जीत के दावे हैं सर, ये आपको लगता है कि बीजेपी ने जो अपने जो अपनी उपलब्धियां केंद्र सरकार की रही है उनको गिनाने में कामयाबी जो है वो रही है, या फिर कांग्रेस सरकार की खामियां जिसकी वजह से आप ये दावे? देखिए दोनों बातें थी, एक और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, जिधर से वो निकलते थे जनता डोल रही थी उनको पीछे देखने के लिए, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की शानदार उपलब्धियां जिससे राजस्थान के 4.5 करोड़ लोगों को लगातार 28 महीने तक मुफ्त में अनाज मिलना, रसोई के उजला गैस के कनेक्शन मिलना, और किसान के खाते में राजस्थान में 18.5 करोड़ पैसा जाना, कई कारण थे प्रधानमंत्री आवास से लेकर जल जीवन मिशन तक जिससे आम गरीब की ज़िंदगी को बदला, उस गरीब ने सोचा कि पहली बार दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, तुम्हारे जीवन जीने के आधार को बदलना चाहता है, इस कारण से गरीब ने बड़ा मूवमेंट किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कांग्रेस ने फ्री बीज को एक बहुत बड़ा जो अपना मुद्दा है वो इसमें रखा, और उन्होंने कहा कि ये गारंटियाँ जो है ये कहीं ना कहीं काम करेगी, और जो सत्ता में उनकी जो रिपीट है वो सरकार उनकी रहेगी। देखिए जब सरकार से विश्वास टूटता है तो सरकार के आचरण से विश्वास टूटता है, सपने बेचने से नहीं, सपनों को साकार जो सरकार करती है उस पर विश्वास टिकता है। सरकार का कार्यकाल खुद घोषणा घोषणा वीर का कार्यकाल रहा, घोषणा पर घोषणा निश्चित तौर पर करते चले गए। अब आपके सामने राइट टू हेल्थ की बात की, क्या किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएँ हमारी,
अंग्रेजी स्कूल खोलने के बाद की सारे स्कूलों के अंदर टीचर रही उस कमरे नहीं। महेश में आवाज मिल रही है कॉलेज खोलने के बाद की कॉलेज धर्मशाला में चल रहे हैं। महेश आवाज आ रही है तो इस प्रकार हम लौटते हैं, आप बात जारी रखिए उनसे। लेकिन एक और एजेंसी का यहाँ पर सर एग्जिट पोल आ गया है, पोल स्टेट, उसके एग्जिट पोल में कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में। और जो इस एग्जिट पोल के नतीजे एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं, बीजेपी को 100 से 110 सीटें, हालांकि बिल्कुल बहुमत के नजदीक 100 से 110 सीटें, और कांग्रेस तगड़ी टक्कर देते हुए 90 से 100 सीटें जीतती हुई यहां पर दिख रही है। और अन्य की बात करें तो 5 से 15, ये पोल स्टेट यहां पर एक तस्वीर दिखाते हुए। बिल्कुल महेश एक बार आपका फिर से रुक कर रहा हूं, और मैं सवाल यहां पर राजेंद्र राठौड़ जी से, हाँ अन्य तो बिल्कुल 5 से 15 है, महेश मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो सवाल राजेंद्र राठौड़ जी से जरूर कीजिएगा। 135 से ज्यादा बीजेपी को मिलेंगी, उन्होंने कहा, उन्होंने यह भी बताया कि किन मुद्दों पर बीजेपी को वोटर ने वोट दिया, जरा पूछिएगा। तारानगर में अनुमान क्या है इनका, कितनी वोटों से जीत रहे हैं चुनाव? जी बिल्कुल, देखिए स्टूडियो से हमारे साथी रविंद्र सवाल कर रहे हैं कि तारानगर की कैलकुलेशन आपने क्या लगाई है, क्योंकि वहाँ की भी आपने सभी साथियों के साथ बैठ करके चर्चा तो कर ही ली होगी। देखिए चुनाव तो चुनाव है, पर आज तक चुनाव का विजय रथ रुका नहीं, इसलिए मैं जनता के जनादेश पर पूर्ण विश्वास किए बैठा हूँ। सभी वर्गों का प्यार मिला और चुनाव में जीत सुनिश्चित मानता हूँ। लेकिन तारानगर की अगर मैं बात करूं, आपने लगातार वहां पर आपने जो है चुरू के क्षेत्र में आपने जीत का सिलसिला को जारी रखा, इस बार के कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे वहां कर जो है जिन पर आपने ये चुनाव वहां लड़ा, और किस वजह से जो है जनता वहां पर आपके साथ में आई है? देखिए वहां जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का शासन चला, और सबसे बड़ी बात है बुनियादी आवश्यकताओं की, 200 गांव में से 7 गांव को छोड़कर सारे गांव में टैंकर से पानी खरीदते लोग रहे, बिजली के दंश को लोग ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जहां कह रहे हैं कि 135 सीटें लाते हुए बीजेपी नजर आ रही है, तो वहीं पोल ऑफ पोल्स में लगातार हम आपको बता रहे हैं अलग अलग एजेंसीज जिन्होंने एग्जिट पोल किए हैं, और लगातार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हम वो आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं, महा एग्जिट पोल, पोल स्ट्रेट के ये आंकड़े जहां पर बीजेपी को 100 से 110 सीटें, कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहां तो नेक टू नेक फाइट फिलहाल देखने को मिल रहा है मनीष जी, नेक टू नेक फाइट, और जितने भी आंकड़े अब तक दिखाए हैं फिलहाल सरकार तो बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो दावा किया गया था कांग्रेस की ओर से कि रिवाज बदल डालेंगे, ये सही नहीं हो रहा इस बार? देखिए मेरे ख्याल से राजस्थान के चुनाव में, चुनाव के पहले से, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद स्थिति बड़ी क्लियर थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार आने में बहुत संशय है और भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी। अब देखिए 100 और 120 यहां पे खेल है, और यही तय करता है कि किसके एग्जिट पोल की रेपुटेशन कैसी है। अभी मानो अभी किसी चौथे एग्जिट पोल का रिजल्ट आया और उन्होंने अगर कांग्रेस को कह दिया कांग्रेस जीतेगी, तब मामला रोचक बनेगा और तब देखेंगे कि असली जब रिजल्ट आएगा, सपोज 115 सीट आती तो लगता है कि सब जो है न्यूज 18 का पोल बेटर रहा, रिजल्ट बेटर रहा। तो अभी तो जिसके अब जैसे पोल स्ट्रेट है, उन्होंने कैसी सैंपलिंग करी है, कितनी उनकी टीम ने हार्डवर्क किया है। अभी आज मैं अगर अपनी पर्सनली पूछे तो न्यूज 18 के रिजल्ट को पोल स्ट्रेट के रिजल्ट से तब तक कंपेयर नहीं कर सकता तब तक मुझे ये ना पता लगे कि इनकी कितनी बड़ी टीम ने कितने बड़े सैंपल लिए। मानो उन्होंने 500 सैंपल के बेसिस पूरे नहीं, लेकिन बीजेपी को लेकर एक चीज है ना कि 100 प्लस ही बता रही है ये तीनों ही एजेंसी जो है, पोल इंक्लूडिंग पोल स्टेट, 100 प्लस ही बता रही है। अब बता रही है लेकिन 20 सीटों का फर्क आ रहा है ना यहाँ। आप 100 से 120 कांग्रेस को ज्यादा बता दिया, अन्य को कम कर दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी भी मार्जिन है, यानी 20 सीटों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब है जो जो नई नई एजेंसीज आती हैं वो कुछ ना कुछ अपने आप को दूसरे लोगों के बराबर ले आती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है अगर हमने बहुत अच्छे से हार्ड वर्क किया, हमने सीट वाइज एक एक सीट में 5-5 जगह 10-10 जगह सैंपलिंग ली है, तो हमें अपने पोल्स पर ज्यादा भरोसा करना होगा। ठीक है, हमारे साथ दो पैनल नया जुड़ चुका है नए मेहमानों के साथ, चूंकि हमने पहले ही वादा किया था लगातार 9 बजे सबसे सटीक तरीके से सबसे तेजी के साथ बड़े पैनल और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपको तमाम पोल ऑफ पोल्स महा एग्जिट पोल दिखाएंगे। अपूर्वा सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं जयपुर स्टूडियो, बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा जी। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। अपूर्वा जी, तीन एग्जिट पोल अभी तक आए हैं एजेंसीज के, और तीनों में ही बीजेपी 100 के पार।
देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद भाजपा को प्रदान किया है, जो अभी भी मतपेटियों के अंदर पैक है और 3 तारीख को खुलेगा, और जिसकी खुशबू जो है वो आज आपके चैनल के थ्रू हमको सुनने को मिली है। मन में विश्वास था, प्रबल विश्वास था, और जो विश्वास है वो आज मुझे लगता है कि परिलक्षित हो रहा है रिजल्ट्स के माध्यम से, जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं उनको देखने से लग रहा है। सुमन जी बोल के गई थी कि 135 का आंकड़ा पार बीजेपी करेगी, अभी राजेंद्र राठौर जी भी कह रहे थे 135 प्लस ही होगा, और बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे थे 156 प्लस आंकड़ा आएगा सामने रिजल्ट।